नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच गर्भगृह की भूमि रामलला को ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि 67 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दी गई है। राम मंदिर के लिए गर्भगृह की जमीन रामलला को स्थानांतरित कर दी गई, क्योंकि अब भूमि पूजन का दिन है, यानी 5 अगस्त नजदीक आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर को फिर अयोध्या पहुंच रहे हैं और 5 अगस्त के कार्यक्रम की एक एक कर पूरी तैयारी का जायजा लेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन का उत्सव शुरू हो गया है। यही नहीं, धार्मिक महत्व वाले अन्य नगरों में भी उत्सव की विशेष तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी की अपील पर तीर्थ नगरी मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर में भी 4 और 5 को अखंड रामायण का पाठ और दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सबसे पहला प्रोटोकॉल कोरोना वायरस को लेकर है, जिस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों के साथ बैठक हुई है। सुरक्षा बंदोबस्त के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अयोध्या में 5 अगस्त को एक साथ एक जगह 5 लोगों से ज्यादा को जुटने नहीं दिया जाएगा। दीपक कुमार ने बताया कि जितने भी वीवीआईपी आएंगे या फिर जितने भी आमंत्रित मेहमान आएंगे, उन सबकी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर हम पूरी तरीके से चाक चौबंद है। चाहे मेहमान हो, वीवीआईपी हो या फिर आम अयोध्यावासी, सभी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। अयोध्या सहित फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी रास्तों पर पूर्व में किए इंतजामों की निगरानी हो रही है। भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से पहले किसी को अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भीड़ न लगाने की अपील की है। राज्य सरकार कोविड-19 को लेकर नियमों का पालन करते हुए इस बड़े आयोजन को संपन्न कराना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन के दौरान कोविड-19 और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर यह अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।